हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज है 15 जनवरी, आज है मकर संक्रांति। आप सभी को संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं बस घर में यूँ बैठकर रील देख रहा था कि तभी मुझे पैट्रिक का फ़ोन आया और उसने कहा कि हमें पतंग उड़ाने के लिए जाना है बच्चों के घर में। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब चले जाते हैं, चलो। और मोटा भाई भी कुछ दिनों पहले वापस आ चुका है, तभी उसके साथ मैं जा रहा हूँ बच्चों के घर में। मोटा भाई अभी भी कुछ तो भी चबा रहा है भैंसों की तरह। जगत हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि हमारा कई और प्लान था, वो हमारा था हमारा शिवाजी कॉलेज में, हम जाने वाले थे 3-4 जन पतंग लेके। फुकट की फुकट वाली वो जुगाड़, हमारी जुगाड़ वाली पतंग थी, हमने अभी तक अपनी पतंग नहीं ली है। आप ये इसे देखिए, बच्चों का इतना बड़ा घर है। अगर अब मैंने आपको इसके अंदर की सीढ़ियाँ दिखाता हूँ कितनी सीढ़ियाँ। तो अब आप ये देखिए, बच्चों के घर के अंदर जाने के लिए यहाँ से भी सीढ़ियाँ है, उधर से भी सीढ़ियाँ है, और आगे से जो हम पीछे के साइड में है तो ये आगे से भी सीढ़ियाँ है, तीन तीन साइड में। बाथरूम हॉस्टल का बाथरूम, नीचे हॉस्टल है, ऊपर इसका घर। और ये रहे केस हमारे पहले से यहाँ पे स्थापन हो चुके हैं। ए पगला गया है क्या तू, हमारा हीरो यहाँ पे। ये ये रहे हमारे दोस्त, इतनी दूसरी सेल्फी लेंगे हम। मिरर कैमरा दिल गुड़ खाओ, गोल गोल बोलो, लेकिन हम नहीं बोलेंगे। आता जेवण करून आलो तो यार, का आणतेस तू इतक्या लवकर? प्रसाद नाही ना मला, आता आली जाते खाऊन टाकून टाकून। यार मेरे पास सिर्फ एक ही बंडल है, बंडल काम देते यार, जो भी है चक्री, वह सिर्फ एक ही चक्री है। अब हम इससे निकले जा रहे हैं, चलो। सद्या धागा, नायलन और क्या लेंगे, एक दो पतंग भी ले लेंगे। और यहाँ पे आगे तो हाथ उठ गए पतंग लेने के लिए, पतंग धागा यहाँ पे लेंगे। बीसी देखिए, पतंग लेने के बजाय उधर धागा लेने के लिए जा रहा है। निकल कर धूप मुझे लगा यार, तुझा कड़ा था इसके जेबी के साथ पैसे। आपण हा विकून ना स्टेशन काल गेतेस विकून का? हम बोल रहे थे उधर से पतंग, उन्होंने बोल दिया कि इधर ही पतंग है, अब यहाँ से ही लेते हैं। रंगी बिरंगी पतंग हमारे लिए। हमने ये दो धागे और ये तीन, कितनी पतंग यार, तीन पतंग ले चुके हैं। 44-40। और ये भिखारी साला पैसे नहीं रखता। 40-60 तो चार रहो दे। ये देखो, ये मेरी है, मंडल कोई किसी का नहीं है। ये उड़ी सही है, मम्मी कब से चला। तो भी हम वापस आ चुके हैं, लेकिन देखो ये तीन पतंग लाए थे और ये दो आगे। और ये मैं देखो, काफी तेज धूप है लेकिन कोई बात नहीं, हमारी ये है मंडप है हमारे तरफ। तो अभी मैंने इंडी को फोन लगाया था, लेकिन उसने कहा कि उनके पास पतंग नहीं है, तो हम उसके साथ पैसा नहीं लगा सकते। पतंग इसको पतंग भी नहीं उड़ा रहा था। तो अभी आप लोग सोच रहे हैं कि इसकी टी शर्ट चेंज कैसे हो गई। तो जब वापस हम घर आ रहे थे, मतलब इधर आ रहे थे, तो मैं घर में थोड़ी देर रुका और टी शर्ट चेंज की थोड़ी फोटो शूट करने के लिए। एक जैसी बच्चों पर डालिए यार, क्या दिख रहा है नहीं। देखिए कैसे पतंग उड़ा था। हवा उतरते नहीं, टायर हो बारे आज आप नजारा देखिए, बच्चों का घर इतना ऊंचा है, काफी अच्छा नजारा दिखता है। चल 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 चल, ओ गिर जा गिर जा। गिर गई। ये बारे देखो क्या यार तू वो रे बावने की केस की अपनी। अबे तो अटको, तीन मिनट का लेट को चेस अगे क्या हवा इधर आता, हवा इधर चल, पे चलाओ पे चलाओ। ये रही इसकी और ये रही इसकी, बच्चों के पैर में लटक चुका है धागा। चल गए फिर काफी अच्छी, उससे भी देख पतंग वो वाली एक निकला ना भाई, ऊपर से देखे और अच्छा नजारा। तीन तीन पतंग, ये और वो।
क्या आप हमें ग्राहक ग्राहक मतलब प्रदर्शक, मैं आपको ध्यान से दिखाऊँ तो वो रहा गार्डन, यह पुलिस स्टेशन और यह बच्चों का घर। बच्चों के घर के पीछे ही बिल्कुल पुलिस स्टेशन है, इसे काफ़ी अच्छा लगा है। कैसे ने फिर से उड़ा डाली अपनी पतंग। अबे उड़ाओ ना बे, ये हमेशा गिराता रहता है, साले ने पतंग तोड़ डाली। क्या क्या गुंडी बनेगी रे तू। अगर मैं आपको सच सच बताऊँ ना, तो यहाँ पे जो पतंग उड़ाने वाले है वो सब चूते हैं। 1 2 3 4 एक किसी को भी पतंग उड़ाती नहीं आती। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इतने लोगों को अगर तू मतलब आप क्या बोल रहे हो, नहीं इतने लोगों को चूतिया बोल रहे हो, तो देखो फिर तुम क्या होते यार। तो मैंने उड़ाई भी नहीं। चूतिया कभी खुद को चूतिया नहीं बोलता, दूसरों को बोलता, ठीक है। हमारा वर्कर है, हम लोग जीप नहीं हमारा वर्कर। आपने इससे अच्छा स्टाइलिश वर्कर आपने कभी भी नहीं देखा होगा। अब ये उड़ाने का एक सफल प्रयास करने वाले है। चलिए हाँ, बावने 50 लाख ले मजे के मजे 30 बच्चों की जी लावतेस तू यांच्यावर। मी माझे लावलेलो पतंग पिचा याच्यावर कोण लावतो। चलो देख पतंग माझे 30 रुपये लागले आहेत, मला टेंशन नाही सगळं की माझ्या इकडे ले 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 अबे पेचाला पेचाला वेस्टलैंड गलती है। प्रयास करूंगा बोला था, लेकिन बच्चों की तो उड़ गई यार, काफी ऐसे दिख तो नहीं रही लेकिन उड़ चुकी है। अबे ये धागा चला, ये धागा चला, धागा चला बच्चे, लाओ ना लाओ ना धागा, लाओ तेवत मागे उड़ जात पीछे से उड़ा रहे। देखो यहाँ पे कटली काटलन काट गई यार हमारी पतंग, कोटी पड़ी आम जी वो देख वो उस ग्राउंड पे पुलिस स्टेशन के यहाँ पे है। ये भी पतंग गई, ये पतंग भी गई हमारी, दूसरी वाली भी तीसरी पतंग। अब ये भी नहीं कटनी चाहिए सब वो रहे हो। देखो बच्चे लोग वहाँ से उड़ा रहे, उन्होंने काटी है हमारी पतंग। तीन पतंग है लाइन में, एक वो दो और तीन। अब इनका पिक्चर लग देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारा पीछा लगने की कोशिश कर रहा है, हमारे बच्चू गया नाइलन लाने के लिए। वे सरक 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 ना काम कर, टोचा मार दी ले, टोचा मार दी ले, टोचा मार दी ले, उसके पास टाइलन है। ये भी कट गई, कट गई, ये भी कट गई, तीसरी भी कट गई यार। इसकी भी पतंग कट गई, त्याची बेत त्याची पण कटली, त्याची त्याची काटलं का हमारे पास। अब क्या करें, हमारे पास धागा ही नहीं था। हमारे फंडर गए पुलिस स्टेशन में लाने के लिए। देखो देख रहे थे यहाँ से कि बच्चू फट से गया, हमें बताया भी नहीं उसने कहाँ पे जा रहा है। तो प्रतीक ने बताया वो नायलन लेने के लिए गया है, मुझे लगा कि उसके घर में होगा नायलन, वो भी लेके जाना लेके आएगा दुकान से। यार मैंने आज सुबह सोचा था कि मैं आज भी तीन पतंग काटूंगा, लेकिन अभी हमारी तीन पतंग कट गई। यार मुझे लग रहा था कि ये नायलन लाने के लिए गया है बच्चू, लेकिन अभी उसको फोन लगाया तो वो पतंग के पीछे गया है, और वो कितनी दूर नदी के पास गिरी है, वो अब तक नीचे गिरने की पतंग। वो उस पतंग के लिए पागल है, पता नहीं काफ़ी महंगी भी है वैसे पतंग, वो उस पतंग के लिए वो पूरा पागल हो चुका है, वो अब तक हवा में है। मुझे अभी हम ऊपर से पतंग उड़ा रहे हैं। निखिल भाई भी तो गोटा लाओ लगा पे गोटा।
राव अपनी जो हमारी तीन पतंग काटा था कहाँ पे गए? हमारे इतने सारे धागे कि देखो क्या हो गया, नीचे भी धागे कई सारे जमीन पर, यहाँ पे दो धागे देखो, दो धागों का मिलन हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं जब तक हमारा नाइलन नहीं आ जाता। यार हमारे इतने सारे पतंग कट चुके हैं और अब क्या करें, पतंग बचे लेकिन धागा नहीं। कभी के सभी उधर हम भी गया, अब सो जाओ आराम से। इनका डिस्कशन देखो, हमें ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, ये सब कर रहे हैं पतंग कटने के बाद। यार काफ़ी देर हो गई हमें पतंग उड़ाते उड़ाते। अभी केशव और पैट्रिक तो गए नाश्ता करने के लिए मार्केट में, बच्चों घर में गया है, थोड़ा नीचे काम है उसको, और मोटा भाई और मैं यहाँ पे ही क्या करें, आपको समझ भी नहीं आ रहा। अगर मैं आपको सच सच बताऊँ ना, तो आज जिसने हमारी पतंग काटी है उसने आज 10 के ऊपर पतंग काटा, मैं सच बता रहा हूँ। हमने काटने की कोशिश की लेकिन हमारे पास धागा ही नहीं था। यार क्या करें, अब उसके पास तो नायलन है और हमारे पास है कौन सा धागा है आपका कर, सद्दा सद्दा है हमारे पास, यूँ कट सिर्फ टच होते ही कट जाता है। तोशिक भाई के पास तो नायलन था लेकिन वो भी आया नहीं, उसे बोला था 2-3 घंटे में आ जाऊँगा लेकिन अब तक नहीं आया, वो बैंक में गया था। और मार्केट में गए तो मार्केट में भी नायलन नहीं था, अब कहाँ से लाते। काफ़ी देर हो गई, अब मैं जा रहा हूँ घर मोटा भाई के साथ, और बेंडिंग को भी साथ लेके जा रहा हूँ, इसको घर जाकर उड़ाएंगे उधर। हे तो मैं वापस घर आ चुका हूँ और काफ़ी थका हुआ भी हूँ क्योंकि काफ़ी देर से गए थे हम वापस बच्चों के घर, तो हमसे तो कुछ पतंग कटी नहीं और हम वापस आ गए, बेंडिंग लेके वापस आ चुका हूँ मैं। तो अब कल देखेंगे उड़ाते घर के घर अपने घर से। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय।